दोस्तों आने वाली है टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल नए अंदाज में। बताया जा रहा है इस मूवी में टाइगर श्रॉफ की जो स्टाइल होगी वो हीरोपंती और बागी से बिल्कुल अलग होगी। इस मूवी में उन्हें गुस्सैल और सीरियस टाइप का दिखाया गया है। इसके साथ ही ये मूवी फ्यूचरिस्टिक होने वाली है, यानी आज से 40-50 साल आगे की कहानी, जहां हर किसी को बिल्कुल हॉलीवुड वाली फीलिंग आने वाली है। बीते सालों में टाइगर श्रॉफ ने कई मूवीज दी हैं, जिनमें से कुछ मूवीज हिट हुई और कई मूवीज फ्लॉप हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ की मूवी सबसे पहले जो आई थी हीरोपंती, वो 23 मई 2014 को रिलीज हुई थी और ये फिल्म काफी हिट रही थी। उसके बाद 29 मई 2016 को बागी आती है और ये मूवी भी ऑलमोस्ट हिट रही। 25 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी फ्लाइंग जट। इस मूवी को दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं किया, कुल मिलाकर कहें तो ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद मुन्ना माइकल का भी यही हाल था। फिर 30 मार्च 2018 को आई थी बागी 2 और ये फिल्म सुपर हिट हुई थी। उसके बाद 10 मई 2019 को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। 2 अक्टूबर 2019 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों एक साथ देखने को मिले थे फिल्म वॉर में और ये मूवी सुपर हिट ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो ये मूवी टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी मूवी थी। बागी 3 जब आई थी 6 मार्च 2020 को तो ये मूवी भी हिट रही, लेकिन टाइगर श्रॉफ की आखिरी मूवी जो उन्होंने की थी 29 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई थी हीरोपंती 2, इसमें ओवर कॉन्फिडेंट और ड्रामेबाजी की कमी नहीं थी। ये मूवी फ्लॉप होने के बाद आ रही है टाइगर श्रॉफ की नई मूवी गणपत। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये मूवी सबसे अलग तरह की होने वाली है, इसमें फ्यूचर वॉर जैसा सीन देखने को मिलेगा। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ साथ कृति सेनन और अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। और आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन जिस मूवी में होते हैं वो मूवी दमदार होती ही है। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस मूवी का बजट है ऑलमोस्ट 150 करोड़। ये मूवी गणपत का पार्ट 1 है और आगे आने वाले समय में इसका पार्ट 2 भी आएगा।